गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। माय चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे रावण कैसे बनाए जाते हैं और ये लोग इतनी मेहनत से रावण बनाते हैं। तो हम चलते हैं, आपको रावण दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे छोटे रावण, बड़े रावण, ये आप सामने देख रहे हो। यहाँ पे एक बड़ा रावण है और उसके नीचे छोटे छोटे रावण हैं, ये आप देख सकते हो। कितने छोटे छोटे प्यारे प्यारे रावण हैं इधर, और यहाँ पे बड़े छोटे दोनों रावण हैं। और इन सब रावणों की रेट अलग अलग होती है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे सामने बड़ा रावण है, ये देखिए रावण कैसे बनाते हैं। हम इनसे पूछते हैं रावण कैसे बनते हैं। ये आप देख सकते हो कितना बड़ा रावण है ये। सबसे पहले आप ये देख सकते हो, इनके ऊपर सबसे पहले न्यूज़पेपर लगे हुए हैं, बाद में इनके ऊपर कलर लगाए जाते हैं। ये आप देख सकते हो कितना बड़ा रावण है। ये देखो कितनी बड़ी बड़े मूछें बना रखी है इसके ऊपर, और इसके फेस के ऊपर स्किन कलर का है भी रंग, बाद में ये होगा कलर। ये आप देख सकते हो रावण, इसके भी आधा ही कलर हो रखा है फेस पे, ये आप देख सकते हो अच्छे से। और ये आप देख सकते हो ये रावण कंप्लीट है, जो कि बड़ा है, आप देख सकते हो। हम रावण के गोदाम में जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले न्यूज़पेपर से बने हुए हैं रावण, हम आपको दिखाते हैं। ये आप सामने देख रहे हो कितने सारे रावण हैं इधर, जो न्यूज़पेपर से रेडी हुए हुए हैं। ये आप सामने देख सकते हैं रावण का मुंह है, ये इतना बड़ा मुंह। ये आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पे बड़ा रावण है। कुछ रावणों को इसमें रखे हुए हैं बारिश से बचाने के लिए। आप यहाँ पे कितने सारे रावण देख सकते हैं, ये आप देख सकते हो। ये आप देख सकते हो ये रावण को कैसे चिपकाया जाता है, उसकी सामग्री है ये। हम मतलब बाहर गुजरात से आए हुए हैं, यहाँ हमें एक महीना हो गया आने का, और एक महीने से हमारा काम चालू है। इसमें बांस, अखबार, कलर पेपर, मैदा लई, इससे सर कलर प्रिंट, उससे हम ये सब रावण तैयार करते हैं। छोटे वाले रावण हम 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये तक का भी है, और बड़े रावण हैं जो अपने 2500, 3000, 4000 रुपये,
तक का बेच देते हैं। इससे ज़्यादा बड़ा होता है जैसे 25 फीट में तो 10-12 हज़ार रुपये का जाता है। बारिश में तो देखो ये तो कुदरत का है, इसे तो कोई रोक नहीं सकता है। और कुदरत से तो क्या हमारा कुछ नहीं करता, नुकसान तो होता ही है। ये तो हमारा फिर नसीब है, अपना नसीब के ऊपर हमारा चलता है ये काम। ये आप देख सकते हो यहाँ पे रंगीन पेपर है और यहाँ पे कितनी मेहनत लगती है बनाते समय। बड़े रावणों को तो खासकर बनाने में बहुत तकलीफ़ होती है और बहुत मेहनत लगती है बनाने में। ये आप देख सकते हो यहाँ पे छोटे छोटे रावण अलग अलग कलर्स में हैं, अलग अलग शेप्स में हैं। ये आप देख सकते हो अलग अलग रावण हैं और अलग अलग कलर्स में हैं। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक अंकल से पूछा रावण कैसे बनाए जाते हैं। छोटे बड़े रावणों की रेट अलग अलग होती है और बारिश में इनको बहुत नुकसान होता है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनका कोई नुकसान ना हो। जब तक रावण ना बिक जाए जब तक इनका कोई नुकसान ना हो। छोटे बड़े यहाँ पे सब तरह के रावण आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक बड़ा रावण ही आप देखने को मिल रहा है आपको। सामने भी आप देख सकते हो बड़ा रावण है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे रावण बनाए जाते हैं। ये आप देख रहे हो इनको कलर करा जा रहा है अभी। ये आप देख सकते हो इस रावण का भी ऊपर वाले भाग तक अभी कलर कर रहे हैं ये लोग। नीचे वाला भी भाग अभी इनकम्प्लीट है। आप सबको पता है टुडे इज दशहरा, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं सारे रावण रंग बिरंगे हो चुके हैं। हम आपको रावण दिखाते हैं, तो आप मेरे पीछे देख सकते हो सब लोग रावण खरीदने के लिए आ चुके हैं। ये आप देख सकते हो सब लोग रावण खरीद रहे हैं, छोटे बड़े सब तरह के रावण खरीद रहे हैं लोग। ये सारे रावण पूरे कंप्लीट हो चुके हैं रंग बिरंगों के साथ, पूरे कलरफुल हो चुके हैं। तो हम इनसे पूछते हैं ये लोग कहाँ पे रहते हैं और रावण खरीदते हैं। हम राकड़ी सुड़ाला में रहते हैं, हम यहाँ रावण लेने आए हैं चंदे इकट्ठा करके, हम रावण सेलिब्रेट करेंगे। तो आप देख सकते हो हमने इनसे पूछा ये लोग कहाँ पे रहते हैं और रावण लेने आए हैं। यहाँ पे सारे रावण पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। द ऑल रावण इज कंप्लीटेड, यू दे आर परचेजिंग रावण। आप मेरे पीछे देख सकते हो कितनी सारी लाइन लगी हुई है। आप कितने सारे लोग रावण परचेजिंग करने आए हैं। दे आर ऑल परचेजिंग द रावण। ये आप देख सकते हो टैक्सी में रावणों को कैसे लेके जाया जा रहा है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे छोटे रावण भी कंप्लीट हो चुके हैं। छोटे बड़े सारे रावण कंप्लीट हो चुके हैं। या आप उधर सामने देख सकते हो एक बड़ा रावण है और आप ही सामने देख सकते हो इतना बिग रावण। आप ही मेरे सामने आप ही सामने देख सकते हो बहुत बिग रावण है ये। दिस रावण इज सो कलरफुल,
यू आर सीइंग दिट। You are seeing that colorful Ravan. They are colorful Ravans. You are seeing in this video, people is purchasing the Ravan. You are seeing this once more, Ravan is going. You are seeing once more, Ravan is also going. You are seeing once more Ravan also going. Ready. Again, once more Ravan is going. This Ravan is so big. श्री राम जी ने रावण का वध किया था और इस फेस्टिवल को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। आप ही मेरे पीछे रावण देख सकते हैं, दे आर सो मैनी कलरफुल और यू आर सीइंग माय बैक, दे आर कलरफुल रावण, आप ही मेरे पीछे देख सकते हो। पीपल इज परचेसिंग द रावण, यू आर सीइंग दैट। ये आप सामने देख सकते हो इतने बड़े बड़े रावण, और ये आप सामने जो देख रहे हो इतना बड़ा रावण है, ये आप सामने देख सकते हो। यू आर सीइंग दैट अ स्मॉल रावण, you are seeing my back, the small ravens, you are seeing that। but ये रावण आज जलने वाला है और आप ये देख सकते हो, और बहुत ही ब्यूटीफुल रावण है इधर, बट अफसोस इनका आज दहन होने वाला है। आप बहुत मतलब द रावण इज सो बिग, यू आर सीइंग माय बैक। दे आर कलरफुल्स, यू आर सीइंग इन दिस वीडियो द स्मॉल बिग रावण, दे आर कलरफुल्स, ग्रीन ब्लू पिंक।
रावण के साथ साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण का भी दहन किया जाता है। यह देख सकते हो कितनी अलग डिजाइन से रावण है। शाम को रावण दहन के समय हम आपसे मिलते हैं, जब तक आप हमारी वीडियो में बने रहिएगा। और जो हमारे इस वीडियो में नए हैं तो इस वीडियो को जल्दी जल्दी देखिएगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो अब हम आपसे शाम को मिलते हैं। हमारे चैनल द्वारा हम आपसे निवेदन करते हैं कि रावण दहन के साथ साथ आपके मन में जो बुराइयाँ हैं, आप रावण दहन के साथ साथ उसका भी ध्यान कर दीजिए। तो अब हम आपसे शाम को मिलते हैं रावण दहन के समय। तो शाम हो चुकी है, रावण दहन का समय हो चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, रावण पूरा रेडी हो चुका है और मेरे वो पीछे खड़ा है। और अभी थोड़ी देर में रावण दहन शुरू होने वाला है। तो इस मंदिर में देखिए गैदरिंग चालू होना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे पंडित जी आ चुके हैं, इस मंदिर में गैदरिंग होना शुरू हो चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं, अब पंडित जी पूजा शुरू कर रहे हैं। कब से लाएंगे? आप देख सकते हो। इधर ही नारायण नमः हरि केशाय। तो यहाँ पे पूजा शुरू हो चुकी है। ओम हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्र वृषभाः गुरुपूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नेतारिचो वरिष्ठनेमी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्र वृषभाः गुरुपूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नेतारिचो वरिष्ठनेमी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कल्याणमस्तु दीर्घायुमस्तु। ओम हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्र वृषभाः गुरुपूषा विश्ववेदाः स्वस्ति तारिचो वरिष्ठनेमी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम हरि ओम मा स्वस्ति इंद्र वृषभाः गुरुपूषा विश्ववेदाः स्वस्ति तारिचो वरिष्ठनेमी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कल्याणमस्तु दीर्घायुमस्तु। ज्योतिर्नमस्तुते कल्याण आरोग्य संपदां दीपं दर्शयामि नमः। जला रहे हैं बाबूजी। यह भगवान श्री रामचंद्र भगवान की जय। उनका पूजन है हस्त। ओम हरि ओम गजाननम भूतगणा सेवितम कृतजम्यम भूबलचार वचनम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम मा सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वासाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यन्ति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सेवा दाति स्वाहा सुधा नमस्तुते। ओम हरि ओम महागणानहंता गणपति गुंभवामहे प्रियनहंता प्रियपति गुंभवामहे निधिनहंता निधिपति गुंभवामहे वसो मम अहम जान गर्भदास गर्भदम्म। ओम अम्बे अम्बालिके नवानकशुंतवदम कापीलवासिनीं महावक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटिं समप्रभा निरुपुरमे देवा सर्वकाय सर्वदा श्रीमन महागणाधिपति। ओम हरि ओम अनोभद्राः कृतभोयन्तु विशतोदब्धासो अपरीतास उद्विदाः देवानो यतसुवार्चितारो दिवे दिवे देवानम देवानो गुवरातिरभनो निवृत्तां देवानं लायन्तु जीवसे तं पुरवा निवदा हूमये वृतसीमस्करतन्यो वादोमयो हुवासो भे कथं तन्माता। ओम हो पूषाणो भेद समावृहे वायुचकाराय स्वस्थ ओम प्रतिज्ञां पयोसति विष्णुररात विष्णुरवनु देवता वातो देवता सूर्य देवता चंद्रमा देवता वस्तु देवता रुद्र देवता अल्त देवता मृतो देवता वरुणो देवता। जल्दी बोलते जा। तो देखो दहन चालू हो चुका है। फाइनली आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और यहाँ पे ध्यान होना शुरू हो चुका है। नीचे से तो जल चुका है, आप देख सकते हो।
आप देख सकते हो। ओम हरि ओम स्वस्तिन इंद्रो वृषभा दुर्भूखा विश्ववेदा स्वस्तिन स्तारिषो वरिष्ठनामि कल्याणमस्तु दीर्घायुमस्तु। रावण दहन पूरा ऊपर तक आ चुका है, रावण दहन पूरा ऊपर तक आ चुका है। फट ये आप देख, पापा ये आप सामने देख सकते हो, धुआं आना शुरू हो चुकी है। और यहाँ पे ये यहाँ पे कागज वगैरह उड़ना उड़ रहा है। रावण दहन हो चुका है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन कॉल पे सेट करें। ऐसे ही हम मज़ेदार वीडियो के साथ हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। माँ चैनल की ओर से आपको दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएँ।